ने चतुराई से मुझे दीदी कह दिया, ये बताना भूल गए कि इस मंच पर आज सबसे आयु में वरिष्ठ, अनुभव में वरिष्ठ दादा है। आज इस मंच पर राजनीति से संबंधित कोई भी संबोधन नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि ये मंच नीति का है, राजनीति का नहीं। ये मंच सेवा का है और ये मंच समाज के उत्कृष्ट सोच का है। मेरा पहला परिचय इसी ही सभागार के इर्द गिर्द आज से 20 साल पहले श्रीकांत भारतीय से हुआ। तब सास बहु करती थी तो श्रीकांत को दो लोगों ने विशेष रूप से टीका करके कहा कि ये 60 साल की सास है, इसको तो युवा मोर्चा में क्यों काम दे रहा है। फिर एक टीका श्रीकांत पे और हुई, एक्टर है, अकल कम होगी, निष्ठा होगी नहीं, इसको तू क्यों काम दे रहा है। और देवी और सज्जनों, जिसने वो टीका की, आज वो इस सभागार की पहली पंक्ति में यही सामने बैठा हुआ है। बोलूंगा संजय, त्याचं नाव आहे संजय केनेकर, हे आमचे वरिष्ठ नेता आहे। श्रीकांत ने आज से 20 साल पहले, क्या उम्र है मैं बोलूंगी नहीं, श्रीकांत ने उस वक्त कहा कि संजय मौका सबको देना चाहिए, फिर देखते हैं मौका पाने के बाद समाज को सशक्त करने के लिए ताई से कितना हो पाएगा। और जितना हो पाएगा, अगर उस अध्ययन में हमसे कोई योगदान हो पाए, चाहे वो संस्कृति के विषय में हो, चाहे वो कला के विषय में हो, चाहे वो राजनीति के विषय में हो, अगर ताई अध्ययनशील रहेगी तो हम मदद करेंगे। 20 साल पहले उम्र मेरी तब 27 की थी, एक व्यक्ति का जो मुझसे कभी नहीं मिला, उसका ये विश्वास रखना कि समाज कल्याण के संकल्प के साथ अगर कोई व्यक्ति आगे आता है तो उसे कम से कम एक मौका देना चाहिए, ये संयम रखना कि भले ही हम किसी को जानते ना हो, लेकिन ये विश्वास उत्कृष्ट है अपने आप में कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आए और आप कोई योगदान देना चाहते हैं। इस भावना को समझना अपने आप में एक पॉलिटिकली मैच्योर इंसान नहीं बल्कि एक सोशली रिलायबल इंसान का प्रथम परिचय है जो श्रीकांत ने दिया। तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी में संगठन की दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से उत्कृष्ट कार्य करने वालों में से श्रीकांत भारतीय का नाम है। और 20 सालों के अंतराल में मैंने कभी भी श्रीकांत की किसी भी बात का विरोध नहीं किया, क्योंकि वी हैव ऑलवेज मेट ऑन द बैटल फील्ड ऑफ आइडियाज। और आइडिया जब तर्पण का आया, तब दादा ने तो आज पक्षपात किया है, श्रेया को शीतल बोला है, तो मैंने बोला श्रीकांत को, ये ससुराल वालों में क्यों माहौल बिगाड़ रहे हैं। लेकिन ऑन द बैटल फील्ड ऑफ आइडियाज, श्रेया और श्रीकांत का ये सोचना कि क्या हमने सामाजिक जीवन में इसलिए प्रवेश किया था कि सिर्फ राजनीतिक ऊंचाइयों को छुएंगे, या इसीलिए आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हमने ये संकल्प किया कि हमें सामाजिक कार्यों से जुड़ना है ताकि जब हम ना रहें तब कोई तो ऐसा हो जो कहे कि आज मैं जहां हूं वहां पहुंचने के लिए कोई तो था जिसने मेरा साथ दिया, जिसने मेरा हाथ दिया।
आज तक श्रीकांत का विरोध नहीं किया, आज करती हूं। इस मंच पर मैंने अनाथ शब्द सुना। जिस धरती को हम जननी कहते हैं, जब तक उस धरती को जननी कहते हैं तब तक उस पुण्य धरती पर विद्यमान कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं हो सकता। जब तक ये मां है श्रीकांत, तब तक माता पिता होने के बावजूद हम धन्य हैं। और जिनके परिवार में ये चुनौती है वो भी किसी रूप में अनाथ नहीं है। और इसका सबसे बड़ा प्रतीक ये है जो आज दादा पाटिल ने कहा कि जब उन्होंने चिंता की कि श्रीकांत तर्पण को आगे ले जाने के लिए क्या व्यवस्थाओं की कोई चुनौती है, तो श्रीकांत ने पलटकर बोला, नहीं, जब उत्कृष्ट काम करना हो, जब समाज कल्याण के संकल्प के साथ किसी की मदद करनी हो, तो भारत का ये स्वभाव है, भारत का ये संस्कार है कि कोई भी अकेला नहीं छोड़ा जाता, सब साथ मिलकर एक व्यक्ति एक समुदाय की सेवा के लिए अपने आप को उपस्थित करते हैं। अब भारत कहा तो प्रेस वाले ताक में होंगे कि अगला क्या बोलेंगे। वो मुस्कुरा रहे हैं कैमरा के पीछे, तो अगर आपको कैमरा तानना है किसी पे तो ना मुझ पे तानी है, ना श्रीकांत पे, ना दादा पे, वो जो कोने में अशोक जी बैठे हैं ना उनको देखिए। सनातन धर्म का मंदिरों के साथ क्या परिचय है, क्या संस्कार है, क्या भावना है, आज इस मंच पर अगर किसी के पास ये जिम्मेदारी है तो वो अशोक जी के पास। तो मेरे लिए तो आज सौभाग्य की बात है कि भले ही मुझे यहां 10 मिनट के लिए दिल्ली से आना है और यहां से दंतेवाड़ा जाना है, लेकिन ये मंच किसी पुण्य मंच से कम नहीं है। इस पर धर्म है, इस पर आस्था है, इस पर मानवता है, और समाज का श्रेष्ठ परिचय इस मंच के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत होता है। मंत्री के नाते आज मैं तर्पण फाउंडेशन के संदर्भ में विशेष रूप से जो आप रिसर्च सेंटर का आज दादा के शुभ हस्तों के माध्यम से उद्घाटन कर पाए हैं, मैं घोषणा करना चाहती हूं कि भारत सरकार की महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष MOU आपकी रिसर्च सेंटर के साथ होगा, ताकि राष्ट्रभर में अनाथ नहीं द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इनके संदर्भ में हम लोग रिसर्च कर पाए। अब चूंकि दादा जानते हैं कि हमारे संगठन का परिचय जब होता है तो हम कहते हैं कि संगठन नहीं, पार्टी नहीं, परिवार है। तो परिवार के दो लोग यहां बैठे हैं, एक कहने का नमस्कार करा सगैना, तो मैं केनेकर की ओर से और अपनी ओर से घोषणा करती हूं, पार्टी के परिचय के अलावा मेरा श्रीकांत से और श्रेया से आग्रह है कि जिस स्फूर्ति के साथ सृजन की भूमिका में आपने तर्पण फाउंडेशन को महाराष्ट्र में प्राण दिए, उसी प्रकार से तर्पण फाउंडेशन का आप देश की राजधानी में दिल्ली चैप्टर की शुरुआत करें। मैं फाउंडेशन की कार्यकर्ता बनकर आपको सहयोग दूंगी। औरंगाबाद चैप्टर की, संभाजीनगर चैप्टर की पूरी जिम्मेदारी कहने का ट्वेंटी साल बाद जिनको मुझ पर थोड़ा बहुत सा डाउट था वो प्रायश्चित तो इसी प्रकार से करेंगे। अगली बार विशेषता बड़े शहर में कोई अकेली महिला
अगर अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए योगदान देना चाहे तो उस पर विश्वास करने वाला, उसको प्रोत्साहित करने वाला एक युगल जोड़ा उसे निश्चित रूप से मिलेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि आज जिसको स्मार्टफोन मिला, डिवाइस मिला, लैपटॉप मिला, ना उस लड़की की आंखों में मायूसी थी, ना उस लड़के के चेहरे पे शिकन थी। इस मंच से ऐसे लोगों के बारे में भाषण देना बहुत आसान है, इनकी मदद करना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन इनका जीवन जीना अपने आप में एक चुनौती है। और उस चुनौती का आपने जिस प्रकार से सामना किया, जीवन की आपाधापी में मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जो कहते हैं ना भरे पूरे परिवार, वहां पर भी आज ये हालात हैं। ये बूढ़े माँ बाप की बात सुनने के लिए औलाद तो है, लेकिन औलाद के पास वक्त नहीं है, औलाद के पास माँ बाप तो हैं, लेकिन माँ बाप के पास बैठकर चर्चा करने की इच्छा नहीं है। तो श्रीकांत जी और श्रेया जी, आपने ये कार्यक्रम मात्र इनके लिए नहीं किया, बल्कि समाज के हर उस परिवार के लिए किया है जिनके घरों में शाम को घुसते वक्त माँ पिता से बात करने से पहले टीवी का मुंह देखा जाता है, जिनके घरों में टेबल पर बैठना हो या घर के किसी कोने में खाना खाना हो तो उठकर बुजुर्गों को नहीं देखा जाता है, बल्कि नीचे स्मार्टफोन पर नेटफ्लिक्स देखा जाता है। मैं उन परिवारों से कहना चाहती हूँ, जिस दिन संग बैठकर खाने वाला वो पिता या माँ नहीं होगी, शायद उस दिन आपको समझ आए कि तर्पण के पीछे भावना क्या है। जिन नौजवानों ने आज यहाँ पर तर्पण फाउंडेशन के सौजन्य से मदद पाई, उनको उनके आगामी करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। तर्पण फाउंडेशन जैसे सृजनात्मक कार्य हम सब जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, वो अपने जीवन में किसी न किसी स्वभाव में, स्वरूप में समाज को सशक्त करने के लिए, समाज के प्रति योगदान देने के लिए ये संस्कार हम सभी कार्यकर्ताओं में रहे। आज इस मंच से प्रभु से आप सबके लिए यही आशीर्वाद मांगती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई श्रेयताई, श्रीकांत भाई, शीतल नस्तु। तो फिर सास बहू का झगड़ा जैसे आप देख रहे हैं, मेरा और दादा का चलता रहेगा। आप इस कार्यक्रम में पधारे, दादा ने सत्य कहा कि कोई एस्कॉर्ट नहीं होता, मैं अकेली गाड़ी में घूमती हूँ, लेकिन ये भी मुसीबत जो संस्कार की है वो श्रीकांत ने दी है कि चाहे कहीं भी जाओ ये ना भूलो कि आज गाड़ी आगे पीछे होगी, लेकिन कल सत्ता का स्वरूप ऐसा है, गाड़ी हो ना हो दोस्त हमेशा साथ रहने चाहिए, परिवार हमेशा।